स्टूडेंट पे पढ़ा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एंड या ये स्टार्टिंग से अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्योरिटी टेबल. तो पहला क्वेश्चन वो था कि हाइड्रोजन की पोजीशन डिस्प्यूटेड है, ग्रुप 1 से भी मैच करती है, ग्रुप 17 से भी. कुछ प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 से मैच करते हैं, कुछ 17 से, कुछ किसी से. फिर दूसरी हेडिंग हमारी आ गई थी दैट इज प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन या आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन देन प्रिपरेशन. प्रिपरेशन में हमने पढ़ लिया कि एसिड से हाइड्रोजन आ सकती है, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो भी हाइड्रोजन बनेगी और प्योर हाइड्रोजन भी बन सकती है समवॉट बेरियम हाइड्रोक्साइड की एक्सपोसिलेशन की इलेक्ट्रोलिसिस से. बाई प्रोडक्ट में हाइड्रोजन बनती है NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करके एंड सो ऑन. तो हाइड्रोजन हो सकती थी. नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल बिहेवियर. ठीक है, एक सेकेंड. केमिकल बिहेवियर में हाइड्रोजन के लिए क्या है, हाई की जो बॉन्ड एनर्जी है इट इज वेरी हाई. ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है HH बॉन्ड, दिस बॉन्ड हैज वेरी हाई बॉन्ड एंथैल्पी, इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है. ओके, तो इसे तोड़ना मुश्किल है. इसकी जो एनर्जी है वो नेचर में किसी भी बॉन्ड की नहीं है, इवन कार्बन कार्बन बॉन्ड की एनर्जी कम है, लेकिन उसमें कैटिनेशन होता है क्योंकि वो पॉलीवेलेंट है. ये मोनोवेलेंट है, इसमें कैटिनेशन नहीं है, क्योंकि कैटिनेशन में लॉन्ग चेन बननी है तो लॉन्ग चेन तो बन नहीं सकती है, वैलेंसी वाला है. तो हाइड्रोजन की केमिकल बिहेवियर थोड़े कम है, अच्छी बात है. क्यों कम है केमिकल बिहेवियर, क्योंकि ये बॉन्ड एनर्जी तोड़ना मुश्किल है. बट इट इज ए हाईली कंबस्टाइल गैस, मतलब जब भी कहीं फ्यूल की तरह यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, इट इज अ कंबस्टाइल गैस. हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन किस किस के साथ है, जैसे अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं और अमोनिया बनता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ नाइट्रोजन एज वेल एज हाइड्रोजन. ठीक है, N2 और H2 रिएक्ट करते हैं, अमोनिया बनता है. दिस रिएक्शन इज यूज फॉर फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर के फॉर्मेशन में, और प्लांट को जो नाइट्रोजन मिलती है वो अमोनिया से ही एब्जॉर्ब होती है. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसका केमिकल इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट ली शेटलियर भी पूछा जाता है. व्हाट आई मीन टू से, ये रिवर्सिबल रिएक्शन कर दी और कहा बताओ भाई कब प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया ज्यादा होगा. तो आई होप सो याद आ गया हो ली शेटलियर प्रिंसिपल, जब कंसंट्रेशन N2 और H2 की हाई हो. बेटा अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाई होगी तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा. ओके ओके, पहला पॉइंट कंसंट्रेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट की हाई हो. दूसरा पॉइंट प्रेशर, प्रेशर लो होना चाहिए, रिवाइज हो जाना चाहिए. कैसे, रिएक्टेंट में बेटा 4 मोल्स हैं और प्रोडक्ट में 2 ही मोल्स हैं, तो ऑब्वियसली जहां मोल्स कम होते हैं प्रेशर बढ़ाने पे, सॉरी गलत बोल गया, ठीक है फिर से कर देता हूं मैं, इसे हटा दूं पहले, मैं ये गलत एरो लगा दिया बच्चों. ठीक है, जस्ट वन, क्या कहना था मुझे, प्रेशर शुड बी हाई, आई एम सॉरी, प्रेशर हाई होना चाहिए. बच्चों आपको आवाज आ रही होगी होपफुली मेरी, ठीक है, प्रेशर मस्ट बी हाई. प्रेशर क्यों हाई होना चाहिए, ली शेटलियर प्रिंसिपल. अकॉर्डिंग टू ली शेटलियर प्रिंसिपल प्रेशर बढ़ाने पे इक्वेशन वहां जाती है जहां मोल्स कम होते हैं. तो ऑब्वियसली इस तरफ 2 मोल्स हैं, इस तरफ 4 है, तो यहां कम है तो प्रेशर बढ़ाने पे इस तरफ रिएक्शन आएगी, तो प्रेशर शुड बी हाई. ठीक है बच्चों, मुझे आपकी वॉइस नहीं आएगी, शायद कॉल आ रहा था इसलिए डिस्कनेक्ट हो जाता है ये. आप क्या करेंगे, कोई क्वेश्चन पूछना हो रेज योर हैंड, मैं यहां से बता दूंगा. ठीक है, थर्ड फैक्टर इज टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे एंडोथर्मिक डायरेक्शन फेवर्ड होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे इधर चली जाएगी क्योंकि ये एंडोथर्मिक है, और क्योंकि ये डायरेक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर कम करने पे फेवर्ड होगा. जिन बच्चों ने केमिकल इक्विलिब्रियम उससे पढ़ा है या ठीक से पढ़ा है उन्हें ये तीनों चीजें समझ में आ गई, बाकियों को इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये केमिकल इक्विलिब्रियम का ही पॉइंट है, इस चैप्टर में कभी कभी पूछ लेते हैं. तो हाइड्रोजन की केमिकल बिहेवियर क्या क्या है, ड्यू टू वेरी हाई बॉन्ड एनर्जी इट इज लेस रिएक्टिव, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है ये कम रिएक्टिव है. और बॉन्ड एनर्जी क्यों ज्यादा है, हाइड्रोजन है स्मॉल साइज, बॉन्ड लेंथ इज स्मॉल, देयरफॉर बॉन्ड एनर्जी इज वेरी हाई. नेक्स्ट, हाइड्रोजन की और कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पता है जो आप जानते हो,
आई होप सो अधिकतर बच्चों को याद हो जाता है, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके HCl बनाता है। अच्छी बात है, क्लोरीन से रिएक्शन हो जाती है, HCl बन जाता है। कोई खास इसमें नई ताजी बात नहीं है, पर इतना ही है, HCl बनता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करता है और वाटर बनता है। लेकिन आपको मालूम होगा भाई, एयर में हाइड्रोजन भी बहुत है, ऑक्सीजन भी बहुत है, लेकिन रोज बारिश नहीं हो रही, रोज पानी नहीं बन रहा एयर में। इट इज डेड स्लो रिएक्शन ऑफ एयर, मतलब कई सालों में एक मॉलिक्यूल बन रहा हो तो बात अलग, अदरवाइज नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी भी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसकी भी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, समझ में आ रहा ना? इसके भी नखरे बहुत है, इसके भी नखरे बहुत है, तो दोनों के नखरे ही नहीं खत्म हो रहे। तो इस रिएक्शन को करने के लिए लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है, तब कहीं जाके ये रिएक्शन होती है। तो अगर आर्टिफिशियल रेन कराना चाहते हैं तो इतना सरल नहीं है, आर्टिफिशियल रेन इस रिएक्शन से करा दे कि एयर में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये टूटेंगे तभी तो जुड़ के वाटर बनेगा। ये भी टूटने को तैयार नहीं, ये भी टूटने को तैयार नहीं, इज इट क्लियर? तो ये भी एक हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी हो गई। कभी कभी हाइड्रोजन मेटल से भी रिएक्ट कर लेता है, जैसे Na की हाइड्रोजन से रिएक्शन करें तो ये NaH बन जाता है, दैट इज सोडियम हाइड्राइड, इसे सोडियम हाइड्राइड कहते हैं। और यहाँ पे हाइड्रोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। जिन बच्चों ने रेडॉक्स पढ़ा है बहुत, उन्हें ये याद होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, ये कहलाता है। तो ये अगर मेरे पास एक कंपाउंड है जो आपने ऑर्गेनिक में इवनिंग के बैच में पढ़ा है, इट इज एल्कीन, और एल्कीन पे अगर मैं हाइड्रोजन पास कर दूं निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एट समवॉट 200-300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एल्केन बनता है। 10th स्टैंडर्ड में भी आपने ये रिएक्शन पढ़ी है, आई होप सो आपको याद आ गया हो, अनसैचुरेटेड से सैचुरेट बनाने वाली रिएक्शन, और एल्कीन में हाइड्रोजन पास करेंगे एल्केन बन जाएगा। एल्कीन अनसैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है। This process is known as reduction also. 10th में आपने oil से fat या घी बनाना पड़ा था, ठीक है? ये रहा aldehydes, क्योंकि अभी आप organic में पढ़ चुके हो, इसलिए लिखा रहा हूँ आपको या दिखा रहा हूँ। इस पे हाइड्रोजन पास कर दें निकल की प्रेजेंस में, तो दोनों पे एक एक एच जुड़ जाता है। किन दोनों पे? इस ऑक्सीजन को भी एच मिल जाता है, इस कार्बन को भी एच मिल जाता है, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है। फिलहाल इट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड इट इज रिडक्शन। तो हाइड्रोजन की ज्यादा प्रॉपर्टीज तो है नहीं, 4-6 प्रॉपर्टीज हैं, उनमें से ये प्रॉपर्टी है। इसका कंबस्टाइल नेचर ज्यादा है, किस वजह से? ये फ्यूल में भी यूज होता है, ड्यू टू कंबस्टाइल नेचर इट इज यूज एज ए गुड फ्यूल, ठीक है बच्चों? तो हाइड्रोजन के केमिकल बिहेवियर इतने थे, ठीक ओके। आज हमें थोड़ा सा हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है, ओके? जितना भी मैंने आपको बताया है उसका एक प्रीव्यू ले लेते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है आज हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स, और हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज, ओके? ऑब्वियसली स्लाइड्स हैं तो इसमें कुछ फिजिकल बातें भी होंगी, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होंगी। देखो भैया, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, सब बच्चों को याद है ना, STP किसे कहते हैं? जब टेम्परेचर 273.15 केल्विन हो और प्रेशर को हम 1 एटमोस्फियर, ज्यादा अच्छा होता है 1 bar कहें, क्योंकि बार जो यूनिट है वो SI यूनिट में आ जाता है ना, पास्कल से बार बनता है। तो 1 एटमोस्फियर प्रेशर एंड दिस टेम्परेचर इज STP। तो STP कंडीशन पे ये कलरलेस डायटोमिक गैस है, ऑब्वियसली ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है और नॉन टॉक्सिक है। तो हाइड्रोजन एक नॉन टॉक्सिक नॉन मेटेलिक डायटोमिक गैस है, इट इज ऑर्डरलेस टेस्टलेस, ठीक है? तो याद रखना है, कई बार क्वेश्चंस जब इनऑर्गेनिक के डीप होते हैं ना, तो उसमें ऐसे आ जाता है कि दो चीजों की रिएक्ट हुई, एक गैस निकली जो कलरलेस भी है और नॉन टॉक्सिक भी है बट हाईली कंबस्टाइल है। तो ऐसे क्वेश्चन को अनवाइंड करने के लिए ये अगर याद होता है तो जल्दी होगा कि ये हाइड्रोजन गैस है, ये आपको दिख रहा है, इट इज यूजिंग एज ए फ्यूल। इवन आप टेस्ट ट्यूब के अगर आगे रख देंगे तो ये, अगर इस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन होगी देन दिस फ्लेम कंटिन्यूज टू बर्न, मतलब ये कंबस्टाइल गैस है, इसको जलाती रहेगी, समथिंग लाइक दिस, ओके? केमिकली अभी हमने बताया आपको कि HH बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी 435 टू 488 मतलब हाईएस्ट है, बहुत ज्यादा है, बहुते ज्यादा है, ज्यादा नहीं बहुते ज्यादा है, और इसीलिए बिटवीन एनी टू एलिमेंट नेचर में किसी में भी इतनी एनर्जी नहीं है, एंड इट मेक्स इट क्वाइट अनरिएक्टिव अंडर नॉर्मल कंडीशन, इसलिए हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं करता, इज इट क्लियर? कितनी अच्छी है हाइड्रोजन, इसको शुक्रिया अदा करो। क्यों? क्योंकि ये रिएक्ट नहीं कर रही, कंपाउंड कम है, हमें भी कम पढ़ना पड़ेगा, कितने अच्छे हैं, ठीक है? फॉलोड बाय
What do you understand by this concept? I hope so. आप सबको समझ में आ गया. Dihydrogen is almost inert at room temperature. हमारे room temperature पे अगर hydrogen मौजूद भी है, तो वो किसी से react नहीं कर रही है. The atomicity, the atomic hydrogen produced at high temperature or in electric arc by radiations. मतलब atom की form में hydrogen कई बार मिल जाती है, but it is obviously rare है. तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज नियरली 2000 केल्विन. मतलब हाइड्रोजन के पार्टिकल या मॉलिक्यूल को तोड़ के दो एटम को अगर अलग करना है तो इतनी एनर्जी दोगे तब कहीं जाके इतने परसेंट टूट पाएगा, और 5000 केल्विन एनर्जी दोगे तो 95.5 टूटेगा. इट इज ऑल्सो इनर्ट एट रूम टेम्परेचर. कहने का मतलब सन पे जो एनर्जी आ रही है वो हाइड्रोजन से आ रही है, बट वहां हाई टेम्परेचर है, वहां एच एटम नहीं है, लाख डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 1 लाख से ऊपर का टेम्परेचर है. तो वहां न्यूक्लियर फिशन हुआ, पार्टिकल टूटे, फिर फ्यूजन भी हो गया. मतलब हाइड्रोजन के पार्टिकल जुड़ जुड़ के हीलियम, 7 स्टेप रिएक्शन है वहां पे, और शायद 7 वाला कांसेप्ट भी वहीं से आया हो. फिलहाल 7 स्टेप रिएक्शन में ही आ गया. 7 वाला कांसेप्ट समझ में आ गया ना? कई लोग कह रहे हैं 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, या कई लोग कहते हैं 7 जन्मों का साथ है, और एक आध अभी कह रहा होगा सर फेरे भी तो हम साथ ही लेते हैं. ठीक है, 7 जन्मों का साथ कहते हैं, हो सकता है 7 रिएक्शन वहीं से आएगी. ओके, नाउ हाइड्रोजन को केमिकल बिहेवियर की अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, और एक ही इलेक्ट्रॉन की और गुजारिश है. मतलब एक ही की गुंजाइश है, एक ही की जरूरत है, इससे ज्यादा औकात भी नहीं है इनकी. इज इट क्लियर? तो ये एक इलेक्ट्रॉन जनरली लूज करके एच प्लस बना देता है, जैसे हाइड्रोनियम आयन में एच सी एल में हम दिखा देते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एच माइनस हीलियम भी बना सकते. तो हाइड्रोजन अपने दोनों आयन बनाता है, कैटायन भी बनाता है, एनायन भी बनाता है, और हाइड्रोजन शेयर भी कर लेता है. शेयर जब करेगा तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और हमेशा सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड बनाएगा. अगेन इट इज अ कॉमन सेंस, भाई डबल बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, या 2 बारी शेयरिंग करनी होती है, तो वो औकात के बाहर हो गया है ना. तो HH बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन, भैया ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अभी जो वैल्यू दिखाई थी उन्हीं में से आंसर है. आई होप सो आपको दिख गया हो. अरे वाह, जो पढ़ने वाले बच्चे कितने अलर्ट है. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा? भाई एक ही आध अलर्ट बच्चा है, इसका मतलब बाकी तो सो चुके हैं. ओके, 7 समुंदर वाले कंसेप्ट में जा चुके हैं. एक का आंसर आया खाली, दैट इज अविशी, एंड बाकी बेटा सत्यनारायण की कथा नहीं चल रही है ना, तो आप लोगों को टेक पार्ट करना पड़ेगा. वेरी गुड वंशिका. संजना बेटा आपने ठीक से इसका दोस्तों में देखा नहीं है, गलत आंसर दे रहे हैं आप. वंशिका सही है, 3 बच्चों के आंसर आए हैं, और बाकी अटेंडेंस लगा के कहीं भाग गए हैं. इसका मतलब जैसे हम लोग करते थे वैसे ही कर रहे हैं. संजना अभी भी गलत है आपका आंसर, इसका आंसर डी है. आपने ठीक से पिछला दिखा नहीं. चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ हमने पीछे दिखाया था. हमने ये लिख के दिखाया था, और इसमें ये वाला जो पॉइंट है गोला करो. ठीक है, तो ये जो गोला किया है यहाँ पे, गोले में लिखा 4352488. ठीक है, फिलहाल ये वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म तक याद भी नहीं रहेगी. हाइड्रोजन कंबाइन विद एलिमेंट्स बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, और बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, और ऑल ऑफ अबव. वेरी गुड अभिषेक, क्लियर. वंशिका क्लियर, 2 जनों को तो क्लियर है, एंड निशिका क्लियर, 3 को क्लियर हुआ. हाँ भैया सात्विक, तुम तो मतलब ये 2 वर्ड कहां से लिया है, 2 गलत है. सजना क्लियर. तो भैया अभी आपको बताया था H प्लस भी बनता है, H माइनस भी बनता है, और शेयर भी करता है. दिखाए कहाँ बताया था? दिखाए, ये देखो यहाँ बताया था. अंडरलाइन करो, गोला बनाओ इसको. ये लो गोला भी बना दिया. अब तो समझ में आया. अच्छा टाइपिंग मिस्टेक थी, कोई बात नहीं. नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन. मैंने अभी आपको बताया था ये मेटल के साथ हाइड्राइड बना लेता है, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर लेता है, जैसे अमोनिया बनाना, HCl बनाना, हेलोजन के साथ HCl. तो आपके लिए पहला है react with halogen to give hydrogen halide. याद आ गया, H2 plus X2 gives you HX. मतलब X का मतलब halogen है, Cl2, Br2, I2, और कोई खास बात नहीं है. The reaction of halogen towards hydrogen decreases in the order. मतलब कौन सी halogen ज्यादा reactive है, तो मालूम ही है F2 fluorine is most electronegative, सबसे जल्दी react करती है, iodine देर में react करती है. Fluorine की reaction even dark में हो जाती है, while iodine requires catalyst. Iodine की reaction थोड़ा मुश्किल से होती है, fluorine की reaction थोड़ी जल्दी हो जाती है. अच्छा, इसमें ना कुछ point आपको हमेशा extra मिलेंगे slides में. The reason behind it मैं आपको इसके पीछे दिखाऊंगा. तो ये इस तरीके से बनाई गई है कि अगर कोई बच्चा competition की भी तैयारी कर रहा हो
तो उसका भी कुछ हिस्सा यहाँ से तैयार हो जाए। तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स इसमें हमेशा मिलेंगे जो एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा होंगे, एनसीईआरटी में नहीं भी होंगे। ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं, और मैंने आपको बताया था यहाँ बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होगा या कोई कैटलिस्ट लेके लो टेम्परेचर पर काम कर सकते हैं। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्चुअली ये कम्बशन ही है, सारे कम्बशन एक्सोथर्मिक होते हैं, बट प्रॉब्लम ये है ये रिएक्शन अपने आप नहीं चलेगी क्योंकि एनर्जी हमें चाहिए दोनों बॉन्ड को तोड़ने के लिए। बेटा ये आ गया वही हमारा हेबर्स प्रोसेस, जिसे हम जनरल भाषा में मजाक में कहते हैं बार्बर्स प्रोसेस आ गया। बार्बर प्रोसेस समझ में आया, अमोनिया बनाने वाला, बाल काटने वाला भी, ठीक है। इट रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की रिएक्शन करेंगे और अमोनिया बनेगा। और ये रहा 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर, मैंने अभी कहा था, और टेम्परेचर 725 केल्विन। अब इसमें कई बार बच्चे कहते हैं यार तुमने तो अभी कहा था कि प्रेशर शुड बी हाई एंड टेम्परेचर शुड बी लो, तो यहाँ टेम्परेचर तो 725 है, ये कहां से लो दिख रहा है? मतलब प्रेशर शुड बी हाई, तुम्हें 200 एटमॉस्फेयर हाई लग रहा है और 725 लो लग रहा है, तो भैया ये तो लो टेम्परेचर नहीं। तो ये 12th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाया जाएगा कि एक्चुअली में ये जो N2 है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड लेके बैठा, तीन बॉन्ड, H2 की भी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, तो इस रिएक्शन को शुरू करना ही एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक काम है। और केमिस्ट्री में इसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, तो यहाँ बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं तब कहीं जाके टूट के रिएक्ट करते हैं, और इसीलिए टेम्परेचर हमें मिनिमम 450 के आसपास चाहिए होता है। और मतलब 450 है, 500 है, 600 है, तो भैया 450 इज बेटर क्योंकि हमें कम टेम्परेचर चाहिए, लेकिन भैया इतना तो चाहिए ना कि वो रिएक्शन हो जाए, मतलब एक्टिवेट हो जाए। तो इसलिए यहाँ कैटलिस्ट में आयरन होता है और मॉलिब्डेनम प्रमोटर होता है। कैटलिस्ट दीज आर द आउटर सब्सटेंस जो रिएक्शन को तेज करते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग इटसेल्फ, ठीक है। और ये रहा इसकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है दिस वन, और इसमें मैंने आपको ली शटलियर भी बताया था। मैंने आपको बताया था कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है, जैसे NaH बनाता है CaH2, और इसमें हाइड्रोजन का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसे अभी आगे हम पढ़ेंगे दोबारा कि ये सॉल्ट लाइक हाइड्राइड कहलाते हैं, ठीक है, सॉल्ट लाइक मेटलिक हाइड्राइड। अगली हेडिंग ही हमारी हाइड्राइड है, उसमें ये फिर आएगा। ये जैसे हमने कोई मेटल ले लिया है, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा ये ग्रुप 1 का मेटल लिया है क्योंकि वैलेंसी 1 दिखाई है, MH बनाया है, तो ये एल्कली मेटल हो गया, जैसे सोडियम पोटेशियम ऐसा कोई। अगर मैंने यहां ऐसे लिख के दिखाया है तो आपको समझ में आ रहा है एम की वैलेंसी एच के नीचे 2 दिखा रहे हैं, दैट मींस ये कैल्शियम मैग्नीशियम यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया। तो हाइड्रोजन कुछ मेटल से रिएक्ट करता है और फॉर्म कर लेता है। रिएक्शन विद मेटल आयंस एंड मेटल ऑक्साइड, कुछ मेटल ऑक्साइड जो वेरी वीक इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, जैसे लेड का है, टिन का है, PbO2, SnO2, SnO, हाइड्रोजन रिएक्ट करके वाटर बना लेता, उनको रिड्यूस कर देता है। जैसे ये देखिए, ये पैलेडियम वेरी वीक इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल, ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड लिखना चाहिए वीकली, देखो लिखा लेस एक्टिव देन आयरन, बहुत कम एक्टिव पॉजिटिव मेटल जो होते हैं उनको ये हाइड्रोजन अपना कंपाउंड बना लेता है और उनको रिड्यूस कर देता है उनके सॉल्ट से। तो बच्चों ये तो वैसे भी आपके लिए रिएक्टिविटी सीरीज की एक कॉमन सा पॉइंट है, रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी ऊपर होता है नीचे वालों को हटाता है, तो हाइड्रोजन जिनसे ऊपर है उनके जो भी नीचे होगा उनको निपटा ही देगा। आई होप सो क्लियर हो गया होगा आपको ये पॉइंट, आवाज आ रही मेरी आपको, ठीक है, क्योंकि कॉल जब भी आएगा आवाज कटेगी मुझे मालूम है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ एम मेटल है। नेक्स्ट रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड, अभी आपको बताया था ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंसेप्ट कि ये कई ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्ट करता है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल एग्जाम्पल था, अल्कोहल बनाना एग्जाम्पल था। तो ये आपने लास्ट ईयर का पढ़ा है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑयल्स, उसमें हाइड्रोजन पास कर दें निकल की प्रेजेंस में, तो ये जो एल्कीन या एल्काइन्स जो भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में आ जाते हैं, जिसे सैचुरेटेड कहते हैं। जो बच्चे ऑर्गेनिक आजकल पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इजी हो गया कि ये रही एल्काइन, एल्कीन में हाइड्रोजन पास किया। आजकल जो मॉडर्न कैटलिस्ट यूज हो रहा है वो है रेने निकल, निकल एल्यूमिनियम एंड NaOH इज रेने निकल, और उससे ये एल्केन बनता है, ठीक है। रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था एल्डिहाइड से अल्कोहल बन जाता है, समथिंग लाइक ऐसे एक हेलोफॉर्मिलेशन रिएक्शन है, दैट इज हमने एक एल्कीन लिया और उसमें H2 और CO रिएक्ट कराया, तो यहाँ ये बेसिकली H2 और CO मिलके HCHO बन जाता है,
एक तरफ H चला जाता है और एक तरफ CHO, that means ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये आप 12th लेवल में आके पढ़ोगे, इस रिएक्शन का एक नाम भी है, इट इज नोन एज ऑक्सो प्रोसेस, जरूरत नहीं है अभी आपको। चलिए बेटा, द कैटलिस्ट यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन, तो आई होप सो सभी बच्चों को दिख गया होगा, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, सभी बच्चों ने सही आंसर दिया, इट्स रेने निकल, ये लेटेस्ट है, और वैसे तो पैलेडियम और निकल भी चल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैटलिस्ट यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, आई होप सो आप बच्चों मैं नहीं भी लिखूं तो बता सकते हैं, हाँ वेरी गुड, तो यहाँ कैटलिस्ट कौन है, अरे बहुत बढ़िया बेटा, रेने निकल मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि निकल एल्यूमिनियम एंड NaOH के मिक्सचर को रेने निकल कहते हैं, फिलहाल यहाँ का कैटलिस्ट सभी ने सही बताया, आंसर इज सी, दैट इज आयरन, और ये हमने पढ़ाया था, गोला करके दिखाओ ये, ठीक है, वेरी गुड। अब बेटा यूज, मैं आपको यूज बता चुका हूं, अमोनिया बनाना एक बहुत अच्छा यूज है इसका, फ्यूल की तरह यूज होता है, ये यूज है, ठीक है, इंडस्ट्रियल फ्यूल है, और बाकी HCl बनाना, मतलब फॉर्मेशन ऑफ मेनी केमिकल, लैब में HCl पड़ा होता है, आपने देखा ही होगा, अगर लैब में कहां जा रहे हो आजकल आप, ठीक है, तो ये है आपका एटॉमिक हाइड्रोजन। बेटा एक ये वाला पॉइंट रह गया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एक जो रिएक्शन है उसमें बहुत हीट निकलती है, अगर एटॉमिक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं तो और ज्यादा हीट निकलती है, और उसे ऑक्सीहाइड्रोजन टॉर्च कहते हैं, जो वेल्डिंग एंड कटिंग के काम में आती है, इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीहाइड्रोजन टॉर्चेस इट इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग पर्पस। तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग आपने सुना ही होगा या देखा होगा, नहीं देखा तो यहाँ देख लो फोटो में, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है, इज इट क्लियर, सॉरी हाइड्रोजन वेल्डिंग है, ठीक है, और यहाँ हम एनर्जी देते हैं जिससे ये रिएक्शन होती है। अच्छा यहाँ क्वेश्चन पूछा है, कैन यू गेस व्हाट टेम्परेचर वुड बी एट द वेल्डिंग, वेल्डिंग का टेम्परेचर क्या होगा, इस समय यहाँ पे जो मेटल पिघल रहा होगा उसका टेम्परेचर क्या है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही गेस किया है, दो बच्चों ने अभी कहा, एक ने कहा 2000 का बस थोड़ा सा दुगना करो, 4000 केल्विन है, तो लगभग 4000 केल्विन होता है, विश्वास नहीं है तो चूके देख लेना, ठीक है। ये ऑक्सीहाइड्रोजन टॉर्च की फुल फॉर्म अब देख लेते हैं कि किसे कहते हैं ऑक्सीहाइड्रोजन टॉर्च, ठीक है, तो मैंने आपको बताया एटॉमिक हाइड्रोजन ले लें और ऑक्सीजन ले लें और उसको वेल्डिंग के लिए यूज जब हम करते हैं, और इट इज नोन एज ऑक्सीहाइड्रोजन टॉर्च। हाँ भैया जे भी आपका फेवरेट फोटो है, मालूम होगा नासा वासा देते रहते हैं ऐसे फोटो, ठीक है, तो ये सैटेलाइट लॉन्चिंग में लिए ये वो, थोड़ा सही कर लेंगे, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, वैसे यहाँ USA लिखा, ठीक है, इंडिया लिख दूंगा अगली बार, ठीक है, इट्स यूज एज ए रॉकेट फ्यूल इन स्पेस रिसर्च, ठीक है, जैसे इसरो है अपना, है ना, और इंडिया ने जो पहला स्पेस व्हीकल भेजा था दैट इज PSLV-3, सबसे पहला ये भेजा था इंडिया ने, लेकिन अब हमारे कोर्स में नहीं है, पहले ही हमारे कोर्स में था इसीलिए मेरे को थोड़ा बहुत पता था। ओके एक इंपॉर्टेंट यूज ये रह गया कि बेटा जो 12th में चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, या जो हम बैटरी यूज करते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, तो उसी में एक टाइप का सेल होता है जिसे कहते हैं हाइड्रोजन सेल, इट इज अ गुड सेल, हाइड्रोजन सेल, उसकी एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा होती है, 70%, कोई पॉइजनस चीज भी नहीं देता, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंबशन करते हैं, जो एनर्जी मिलती है उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करते हैं, दिस सेल इज यूज्ड, आजकल इसका यूज हम करने लगे हैं कार रन करने में या बाकी जगह, ठीक है, तो ये फ्यूल की तरह भी काम कर सकता है, ये इलेक्ट्रिक सेल का डायग्राम है, लेकिन इलेक्ट्रिक सेल आप 12th में पढ़ेंगे इसलिए मैं आपको यहाँ नहीं दे रहा हूं। और ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था हाइड्रोजन सेल का फायदा क्या है, फ्यूल सेल का फायदा क्या है, एक तो एफिशिएंसी ज्यादा है, दूसरा कोई पोल्यूशन नहीं देता, मतलब इको फ्रेंडली है, तो ये इसके बेसिक फायदे हैं हाइड्रोजन सेल के, ठीक है, नो पोल्यूशन, इको फ्रेंडली दोस्त है हमारा, और ये जो एनर्जी देता है वो अदर फ्यूल से ज्यादा है, बाकी फ्यूल्स की एनर्जी 30% 35% है, इसकी एनर्जी 60-70 है, दैट इज इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। Widely used in the manufacture of metal hydride, जैसे NaH, NiH, इनको बनाने में use करते हैं। Now the questions: the temperature generated during the torch is oxyhydrogen torch is obviously बहुत बढ़िया। ये तरीका सही है, बोले आंसर खुद ढूंढ लो, आप वैल्यू बताते हैं 4000 है, ठीक है बेटा, अधिकतर बच्चों 4000 लिख दिया, बोले तुम्हारे जीरो कौन गिनेगा, है? Very nice. Next ये हमने यहाँ पढ़ा था, बोला करो, very good. चलो next. Use of dihydrogen R to generate electric energy, reduce heavy metal oxide as a rocket fuel and all of above. Obviously, ठीक है निशिका, good, good, संजना, अभिषेक, good and वंशिका, good, सात फिक्स हो गया क्या?
ये यार लड़के ऐसे ही होते, गायब हो गया लगता है, चला गया। हाँ ठीक है, ऑल ऑफ अबव, वेरी गुड। ठीक है, ये हमने पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, इसलिए आ गया। और थैंक यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन हमारा हुआ फिनिश। एनी डाउट इन हाइड्रोजन तो पहले क्वेश्चन पूछ लीजिए। ठीक है, बताओ बेटा क्वेश्चन। तुम कुछ बोल भी रहे हो तो शायद आवाज ना आ रही हो, शायद। हाँ, जिन्हें समझ में आ गया वन टाइप कर दो, फिर क्या करूं। ठीक है बेटा, बॉश प्रोसेस और लीन प्रोसेस जो होते हैं ना, ये हाइड्रोजन की इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। अभिषी, एक बच्चे ने अभी क्वेश्चन पूछा है कि बॉश सॉरी लीन प्रोसेस क्या है, तो इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में है, लेकिन एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं था, ना बॉश का ना लीन है, तो मैंने वो हटा दिया है। बट इट इज इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन है। वो रिएक्शन देखिए और याद कर लीजिए। एक है आयरन की स्टीम के साथ Fe3O4 और हाइड्रोजन, ये तो है बॉश प्रोसेस। ऐसे बेटा लीन की, लीन की भी एक रिएक्शन। ठीक है, हाइड्रोजन में किसी को डाउट तो नहीं है। चलो बेटो, आज इतने ही रखेंगे इस बैच में, और आज अगला बैच नहीं होगा शाम का, अभी मैं डाल दूंगा ग्रुप में। ठीक है, आज नेक्स्ट बैच आपका नहीं होगा। ठीक है, ओके, मीट यू ऑन मंडे, या जैसा भी होगा ग्रुप में अपडेट करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर।